मूवी के स्टार्ट होते ही हम क्लियर नाम की लड़की को देखते हैं जो कैरोसिन डालकर घर को जला देती है। साथ में उस घर का ऑनर भी जल जाता है, लेकिन क्लियर को पता नहीं था ऑनर घर के अंदर है। एक्चुअल में वो क्लियर का लैंडलॉर्ड था। क्लियर की फैमिली एक अलग घर में रहती थी। घर की कंडीशन ठीक न होने की वजह से उस घर में आग लगी थी जिसमें उसकी फैमिली जलकर मर गई थी, इसलिए क्लियर ने बदला लिया था। इसके बाद हमें 11 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लियर अब जॉब करने लगी है। किसी काम की वजह से वो एक होटल में जाती है जहाँ पर वो नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आकर अपने कपड़े निकाल कर पूरी नंगी हो जाती है और अपने पपीतों को सहलाते हुए पूल में उतर जाती है। क्लियर उसे इस तरह से देख कर अनकम्फर्टेबल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियर अपनी कंपनी में होती है जहाँ उसे पता चलता है उसका बॉस एक बिल्डिंग खरीदने वाला है। फिर वो एक बिल्डिंग का प्रपोजल लेकर एरन के पास जाती है। एरन उसका मैनेजर होता है। वो उसे कहता है बॉस इस बिल्डिंग को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो क्लियर को पसंद नहीं करता था और बॉस को बिना बताए ही क्लियर का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिससे क्लियर नाराज हो जाती है। इसके बाद जब वो नीचे जा रही होती है तभी उसे लिफ्ट में बॉस मिल जाता है। क्लियर डिसाइड कर वो अपने प्रपोजल के बारे में बॉस को बता देगी। जब वो बॉस को बताती है तब बॉस कहता है तुम इस प्रपोजल को कल ऑफिस में मुझे बताओ, जिसे सुनकर क्लियर बहुत खुश होती है। जॉब खत्म होने के बाद शाम को वो एक बार के पास से गुजरती है जहाँ पर कपल्स को देखकर उसे लगता है उसे भी डेट करना चाहिए। क्लियर फिर एक डेटिंग ऐप ओपन करके स्क्रॉल करने लगती है तभी उसके सामने एक हैंडसम लड़के का फोटो आता है जो उसके सामने ही बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम आर्लो है जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो वहाँ बैठकर कार में बैठे हुए लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। एक्चुअल में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। क्लियर वहाँ पर आकर उससे बात करती है। फिर वो दोनों बार के अंदर जाकर ड्रिंक करते हैं तभी वहाँ पर क्लियर को वही पूल वाली लड़की दिखाई देती है। फिर वो उसके पास आकर बात करने लगती है। जब आर्लो वहाँ से चला जाता है तब क्लियर अकेले पूल की तरफ जाने लगती है। अचानक से पूल की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और वही लड़की क्लियर को पीछे से आकर सड्यूस करने लगती है। उस लड़की का नाम ईव होता है। क्लियर को भी अब मजा आने लगा था। फिर ये लोग एक दूसरे को किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह क्लियर ऑफिस जाती है और अपना बिल्डिंग का प्रपोजल बॉस को बताती है। क्लियर का आइडिया बॉस को बहुत ही पसंद आता है और वो एरन पर चिल्लाता है तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया। इसके बाद क्लियर और उसका बॉस बिल्डिंग देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर बॉस बिल्डिंग के ऑनर से बात करता है और क्लियर बिल्डिंग की फोटोज लेती है। बॉस को बिल्डिंग बहुत पसंद आती है और वो तुरंत ही इसे खरीदने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर क्लियर बॉस को अपनी फैमिली और स्ट्रगल के बारे में बताती है जहाँ पर उसका बॉस उसे मोटिवेट करता है। अगले सीन में क्लियर फिर से ईव के साथ सोती है। वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी इसलिए वो उसे भी सारी चीज़ें बताती है। ईव उसे समझाते हुए कहती है अब तुम्हें इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें इस सबसे आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर रोने लगती है, ईव उसे सहारा देती है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाती है तब पूरे ऑफिस को पता चल चुका था क्लियर ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बॉस को सजेस्ट किया है। ये बात एरन को भी पता चलती है और वो उसे जाकर बहुत ही गंदे तरीके से बात करता है और इनडायरेक्टली उसे धमकी देता है कि वो उसे इस कंपनी से निकाल देगा। क्लियर को समझ में नहीं आता आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। रात के सीन में हम देखते हैं ईव सो रही थी। क्लियर उसके पास आकर उसके पपीतों को सहलाने लगती है और चाटने लगती है। फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब क्लियर जा रही होती है तब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। क्लियर उसे कहती है अब फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। ईव उसे कहती है तुम्हें पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर क्लियर ऑफिस जाती है जहाँ पर उसका बॉस उसे बुलाकर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करता है और उसे शाम की पार्टी में इन्वाइट करता है। जब क्लियर अपने कलीग के साथ पार्टी में पहुँचती है तब उसका बॉस पास आकर उससे बात करने लगता है और अपनी वाइफ को उससे मिलवाता है। वो वाइफ कोई और नहीं ईव होती है। ईव ने उसे बताया नहीं था कि उसका हस्बैंड भी है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाती हैं। क्लियर को ये देखकर बुरा लगता है। जब वो अपने कलीग के साथ वापस जा रही होती है तब उसकी कलीग उसे बताती है बॉस की एक और भी वाइफ थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गई, किसी को उसके बारे में पता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर को फिर से ट्रॉमा होने लगता है, वो सहन नहीं कर पाती। ईव ने उसे धोखा दिया है और वो अपना हाथ जलाने लगती है। ईव उसे कॉल करती है लेकिन क्लियर उसे मिलना नहीं चाहती थी। लास्ट में ईव उसके पास आ जाती है। क्लियर उसे कहती है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन ईव उसे कहती है मेरा हस्बैंड है लेकिन अब हम दोनों में अच्छे रिलेशन नहीं है और मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियर के पास उसके बॉस का मैसेज आता है। जब वो उसे मिलने के लिए जाती है तब उसका बॉस उसे बताता है कि मेरी पहली एक और वाइफ थी, वो बहुत ही अच्छी थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। बातों बातों में वो उसे ये नहीं बताता कि वो कैसे और कहाँ गायब हुई। इसके बाद रात को हम देखते हैं क्लियर और ईव एक साथ सोती हैं और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसका मतलब है उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों लिफ्ट के पास किस भी करते हैं जिन्हें
देखकर एक लेडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगली सुबह क्लियर बॉस को गुस्से में देखती है। वो कॉल पर अपनी वाइफ से गुस्से में बात कर रहा था, इसलिए ईव डर जाती है क्योंकि उसे लगता है ईव और क्लियर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बॉस को पता चल गया होगा। बॉस इसके बाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्लियर इसके बारे में सोचने लगती है। शाम में क्लियर को बॉस का मैसेज आता है जिसमें स्कॉट ने लिखा था उसे सब कुछ पता चल गया है। इसी वजह से बॉस को समझाने के लिए क्लियर उसके घर पर जाती है। बॉस के घर में बहुत ही अंधेरा था, शायद बॉस वहाँ पर नहीं था। घर के अंदर वो उसे बुलाते हुए जाती है लेकिन उसे वो कहीं पर नहीं मिलता। वहाँ की दीवारों पर खून का निशान थे जिससे हमें पता चलता है कि किसी को यहाँ पर मारा गया है। क्लियर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एरन क्लियर के पास आकर उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा रूड बिहेव कर रहा था। इसके बाद ऑफिस में पार्कर नाम का ऑफिसर आता है। वो क्लियर से उसके बॉस के बारे में पूछता है क्योंकि लास्ट मैसेज क्लियर का ही था। क्लियर उसे बताती है वो रात में उसके घर पर गई थी लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर आर्लो भी आ जाता है। आर्लो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो उन्हें बताती है कुछ काम की वजह से वो उससे मिलने गई थी। तब पार्कर कहता है बॉस ने तुम्हें नहीं बुलाया था, जिसका आंसर वो ठीक से नहीं दे पाती। फिर उसे जाने दिया जाता है। पूरे ऑफिस में बॉस की मिसिंग होने की न्यूज फैल जाती है और सब वंडर करने लगते हैं कि बॉस कहाँ पर गया। क्लियर ईव को कॉल करके पूछती है बॉस मिसिंग है, क्या उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता था। ईव उसे बताती है इस बात के बारे में उसे नहीं पता था। उनकी कलीग उनकी बातों को थोड़ा सा सुन लेती है। स्कॉट के मिसिंग होने की वजह से क्लियर पर शक होने लगा था। अगले सीन में हम आर्लो और पार्कर को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग स्कॉट के पहले शादी के बारे में बात कर रहे थे, उसकी वाइफ किस तरीके से गायब हुई थी। उन्हें पता चलता ईव को स्कॉट से शादी किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। रात में क्लियर से मिलने के लिए ईव आती है। वो उसे दिलासा देती है तुम ज्यादा डरो मत, पुलिस ऑफिसर कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। अगले दिन क्लियर से इंटरोगेशन की जाती है जिसमें आर्लो और पार्कर दोनों मिलकर उससे सवाल पूछते हैं। ज्यादातर गुस्से में पार्कर उससे क्वेश्चन पूछ रहा था। डर में आकर क्लियर उन दोनों को अपने और ईव के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। वो कहती है स्कॉट के मिसिंग होने में उसका कोई भी हाथ नहीं है, शायद स्कॉट को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। और पार्कर इतनी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद काफी गुस्से में सवाल पूछ रहा था। क्लियर डर कर रोने लगती है और इंटरोगेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। क्लियर वहां से अपने घर पर जाती है। वो स्कॉट के मिसिंग होने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर निकल पड़े हैं। इसका रीजन था कि स्कॉट की मिसिंग होने की जगह पर यानी कि उसके घर से क्लियर के बालों का सैंपल मिला था, इसी वजह से वो उसे अरेस्ट किया जा रहा था। ये न्यूज सुनते ही क्लियर जल्दी से एक्शन लेती है, अपना सामान पैक कर दिया और वहां से भाग जाती है। तब तक वहां दोनों पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं। वो उन दोनों से बचकर वहां से निकल जाती है। अब क्लियर को ईव पर शक होने लगता है क्योंकि उसके साथ इंटरोगेशन नहीं हुआ था। क्लियर अब ईव के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए होटल रूम में जाती है जिसमें उसका होटल का एक फ्रेंड उससे हेल्प करता है। वहां जाकर क्लियर ईव का कवर्ड चेक करती है, इसमें काफी सारे बिल मिलते हैं, स्कॉट के बैंक अकाउंट्स के थे। ईव ने ये सारे ट्रांजैक्शन स्कॉट के मरने से कुछ दिन पहले ही किए थे। ये ईव के खिलाफ डायरेक्टली सबूत था, उसका मोटिव भी इसमें क्लियर हो रहा था। ये सब उसने पैसों के लिए किया है। क्लियर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये ईव को पता चल जाता है। तब तक क्लियर उसके रूम में पहुंच गई थी। वो जल्दी से अपने रूम से एक चाकू लेकर आती है। ईव तभी अपने सामने क्लियर को देखती है जो कि उससे कहती है तुमने स्कॉट को मारा है। अब ईव क्लियर को चाकू मारने वाली थी, इससे बचकर क्लियर सारे बिल्स वगैरह लेकर वहां से भाग जाती है। बाद में कार्ड से क्लियर को पता चलता है उसने जो बिल्डिंग स्कॉट को सजेस्ट की थी, इस बिल्डिंग के ऑनर को कस्टमर लाने की बात भी किसने की होगी, इसलिए वो ऑनर को कॉल करती है, ईव का नाम लेती है। क्लियर शॉक हो जाती है कि इसमें भी ईव इन्वॉल्व थी या नहीं। कंफर्म करने के लिए सीसीटीवी चेक करती है, इसमें उसे पता चलता है कि पहले दिन जो लेडी फोन पर बात कर रही थी वो ईव ही थी। इस बिल्डिंग को ईव ने अपने नाम पर कर लिया था। ये सब बात अब क्लियर पुलिस ऑफिसर को बताना चाहती थी। तभी ऑफिसर को पता चलता है कि स्कॉट की डेड बॉडी मिली है, वो भी उसी बिल्डिंग के फायर चैम्बर में। स्कॉट की आधी जली हुई बॉडी वहां पर मिलना बहुत ही शॉकिंग था। इसके बाद आर्लो इस केस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से काम करने लगता है। आर्लो जब केस को वापस स्टडी कर रहा था तब काफी सारी बातें पता चलती हैं। इससे क्लियर हो रहा था कि स्कॉट को किसने मारा होगा। आर्लो क्लियर से मिलता है जो उसके कॉन्टेक्ट में ही था। क्लियर आर्लो से कहती है मैंने स्कॉट को नहीं मारा, लेकिन ईव इसमें इन्वॉल्व थी। ईव ने स्कॉट को मारने से पहले उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाले थे, उसका इसके पास प्रूफ भी था। आर्लो इस पर कहता है कि इसमें पार्कर भी इन्वॉल्व है। असल में स्कॉट की फर्स्ट वाइफ बहुत ही रिच थी, उसकी डेथ में स्कॉट भी इन्वॉल्व था, उसी ने शायद उसकी वाइफ को मारा था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन पार्कर देख रहा था। पार्कर पुलिस ऑफिसर है और उसने कवर अप करने के लिए स्कॉट को हेल्प की थी। पार्कर की वाइफ बीमार थी और इसी वजह से पैसों की उसे जरूरत थी और स्कॉट ने उसे हेल्प किया था।
था। स्कॉट को बहुत सारे पैसे मिल गए, पार्कर की वाइफ का इलाज हो गया और स्कॉट की वाइफ का केस क्लोज करवा दिया गया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद स्कॉट ने ईव से शादी कर ली थी। अब ये लोग क्या प्लान कर रहे थे ये सिर्फ पार्कर ही बता सकता था। आर्लो एक प्लान बनाता है। इसमें क्लियर पार्कर को कॉल करती है और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। इसके लिए पार्कर मान जाता है। शाम को पार्कर अपनी कार से क्लियर से मिलने के लिए निकला, तब आर्लो और क्लियर उसके पीछे कार से आ रहे थे। वो देखते हैं पार्कर कहीं और आ गया है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं। पीछे से पार्कर गन लेकर आ जाता है, आर्लो को शूट करके मार डालता है। पार्कर ने इसके बाद क्लियर को पकड़ लिया। वहाँ पर ईव भी थी। पार्कर ईव से क्लियर को मारने के लिए कहता है, वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर एरन आ जाता है। आग में क्लियर ने जिस लैंडलॉर्ड को मारा था, एरन उस लैंडलॉर्ड का बेटा था। वो बदला लेने के लिए क्लियर का पीछा कर रहा था और मौका देखकर उसे मारना चाहता था, तो क्लियर वहाँ से बचकर भागने लगी। उसके पीछे एरन उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन क्लियर उसे शूट करके मार देती है। तभी वहाँ पर पार्कर आता है, वो क्लियर को शूट करने वाला था। तभी उसे पीछे से ईव मार डालती है। ईव ने क्लियर को बचा लिया था। वो कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार करती हूँ। अब क्लियर को किसी और पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे गोली मार देती है। वहीं पर ईव की डेथ हो जाती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लियर को बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से ही पार्कर ईव के साथ मिलकर काम कर रहा था। एक पुलिस ऑफिसर ने क्लियर को मारने की कोशिश की और इसी वजह से क्लियर को सेटलमेंट मिलती है। लास्ट में क्लियर कहती है कि प्यार आग से ज़्यादा खतरनाक है, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।